हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीक की वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीक हम फिर से एनालाइज करने वाले हैं गोल्ड में, देखने वाले हैं गोल्ड में डेली टाइम फ्रेम हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और कोर खबर के टाइम फ्रेम हम किस तरीके से एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, गोल्ड में ट्रेड करते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको एक नॉलेज और एक आइडिया मिलेगा जिससे इस वीक में आप खुद से एनालाइज कर पाएंगे और इजी कन्फर्मेशन के बाद अपनी ट्रेड को भी प्लान कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रीवियस वीक जो हमारा कोर खबर के टाइम फ्रेम में गोल्ड में एनालाइज था, वो क्या एनालाइज था और गोल्ड ने किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस वीक का जो हमारा एनालाइज था वो कुछ इस तरीके से था। ड्रॉइंग यहाँ पे बनी हुई है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमने एक ट्रेंड लाइन को मार किया था कुछ इस तरीके से, साथ में क्या किया, एक रेजिस्टेंस मार किया था और ये था हमारा सपोर्ट एरिया। यहाँ पे जब मार्केट इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, इस लेवल के आसपास जब मार्केट ट्रेड कर रहा था, तो हमारा क्या व्यू था, सिंपल सा व्यू था, यहाँ पे मार्केट इस लेवल को सपोर्ट ले सकता है और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से हमें बाय में देखने को मिल सकता है। हो सकता है मैं भी इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आए, यहां तक अगर आता है तो बहुत शानदार सा हमें एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। फिर यहां से हम सेल कर सकते हैं और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और आप देख सकते हैं मार्केट ने एग्जैक्ट इसी लेवल का यहां से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद बाय में देखने को मिला। हालांकि रेजिस्टेंस के आसपास नहीं आया, बट यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट ने इस लेवल का हाई लगाया और यहीं से फॉल करना स्टार्ट कर। तो प्रीवियस वीक का कुछ इस तरीके से हमारा एक सिंपल सा एनालाइज था और काफी परफेक्ट एनालाइज रहा। तो चलिए अब हम समझते हैं इस वीक में हमें गोल्ड में क्या सेटअप देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, और किस तरीके से हम गोल्ड में इस वीक एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले एनालाइज करेंगे डेली टाइम फ्रेम में, इसके बाद फोर आवर के टाइम फ्रेम में भी एनालाइज करने वाले हैं। तो चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में। यहां से मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है गोल्ड में। अभी यहाँ पे हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है, ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और ये हमारी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, एक सपोर्ट एरिया है। सिंपल सा कुछ इस तरीके से मैं एक सपोर्ट मार कर ले रहा हूँ, थोड़ा को एडजस्ट भी हम कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमने ये पूरा एरिया मार कर लिया। अभी ध्यान से देखिएगा, ये सपोर्ट हमने क्यों मार किया है, क्योंकि इस लेवल को मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया है। अगेन मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया है हमारे रेजिस्टेंस एरिया को। अगेन मार्केट हमारे रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट इस लेवल को यहाँ से सपोर्ट ले और थोड़ा बहुत यहाँ से हमें बाय में देखने को मिले। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से और कंफर्मेशन लेना चाहिए, ये वाला सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हो सकता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे फिबोनाची को मार कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला हमें लो पकड़ना है और ये वाला सिंपल हाई। तो देखिए यहाँ से जैसे ही हम लो टू हाई फिबोनाची को मार करते हैं, ये मैं लो से पकड़ता हूँ और हाई तक जैसे फिबोनाची को मार करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ से हमने एक सपोर्ट एरिया मार किया है, इसी लेवल पे हमें 0.5% का फिबोनाची का एक रिट्रेसमेंट लेवल देखने को मिल रहा है। साथ में सेकंड वाला जो लेवल है 0.618% का, जो काफी इम्पोर्टेंट लेवल है। तो दोनों ही लेवल्स पर ही हमारा सपोर्ट आ रहा है, तो काफी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ये। हो सकता है मैं भी इस एरिया के आसपास मार्केट सपोर्ट ले, फिर यहाँ से हमें बाय में देखने को मिले, तो हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया। अब यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ से हमें बाय में देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरीके का सेटअप हमें देखने को मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम में। अब चलते हैं यहाँ से हम फोर हबर के टाइम फ्रेम में। फोर हबर के टाइम फ्रेम में किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना चाहिए इस वीक में, किस तरीके से मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे हम हैं एक सपोर्ट एरिया के आसपास। हो सकता है मैं भी थोड़ा बहुत मार्केट और यहाँ पे फॉल करे इस लेवल के आसपास। ध्यान दीजिए, इस लेवल के आसपास भी थोड़ा बहुत मार्केट आ सकता है। ये पूरा एक एरिया है सपोर्ट, ये पूरा एक एरिया है, तो इस एरिया के आसपास मार्केट सपोर्ट लेता हुआ अगर हमें देखने को मिलता है, तो फिर यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से हमें इस लेवल के आसपास भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैं ये वाला मार्क करते रहूँ रेजिस्टेंस, ये काफी अच्छा सा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ तक मार्केट बहुत आसानी से देखने को मिल सकता है। लेवल कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा 1971.073 का यहाँ से हमें एक रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसी रेजिस्टेंस को एक्सटेंड कर दूं, देखिए यहाँ पे अगर आप प्रीवियस टाइम देखेंगे, तो इसी रेजिस्टेंस को मार्केट ने काफी
काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया, साथ में ये हमारी ट्रेंड लाइन का वेव का भी एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल को यहाँ पे सपोर्ट ले और सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट इस लेवल का रेजिस्टेंस ले। तो यहाँ से हम बहुत सारी ट्रेड अपनी प्लान कर सकते हैं, यानी यहाँ से हम बाय की ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं और उस लेवल के आसपास हमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलती है, तो फिर यहाँ से हम सेल भी कर सकते हैं, टारगेट प्रॉफिट हमारा सपोर्ट करेगा। तो कुछ इस तरीके का हमें एक सेटअप देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। यहाँ से इस वीक में हम बाय भी कर सकते हैं हमारे ट्रेड को और सेल डायरेक्शन में भी प्लान कर सकते हैं, यानी कि अभी यहाँ से इस लेवल के आसपास बाय में ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और जैसे मार्केट हमारे रेजिस्टेंस के आसपास आए फिर यहाँ से हम सेल भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमें एक सेटअप देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स गोल्ड में। सबसे पहले हमने डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एनालाइज किया, डेली टाइम फ्रेम में हमने देखा ये काफी अच्छा सा एक सपोर्ट एरिया है, साथ में फिबोनाची के 0.5% के लेवल पे भी मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। सेकंड 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो ये हमें एक रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिलता है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे मार्केट इस लेवल को क्यों रिस्पेक्ट कर सकता है, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, हाई से पकड़ेंगे और लो तक फिबोनाची को मार कर देंगे। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हमारा रेजिस्टेंस है ना 0.5% एंड 0.382% के लेवल पे ही हमारा एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करे फिर मार्केट यहां से फॉल वगैरह करे। तो इस तरीके से आप इस वीक में गोल्ड में एक इजी एनालाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स, और जैसे ही आपको यहां से प्रॉपर कंफर्मेशन मिलता है मनी मैनेजमेंट के साथ आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से एक नॉलेज मिला होगा इस वीक में हम किस तरीके से गोल्ड में डेली टाइम फ्रेम एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम में किस तरीके से एक इजी एनालाइज कर सकते हैं और इस वीक में किस तरीके से हमारी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहे। फ्रेंड्स अगर आप फॉरेक्स सिग्नल यूज करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टीम का व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।